अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ चिकन मंचूरियन, तो चलिए बनाते हैं। चिकन मंचूरियन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर चिकन ली हूँ, ये 1 किलो है, मैं इतने पीसों में काट ली हूँ। ये बोनलेस चिकन है, मैं ये छोटे छोटे पीसों में काट कर रख ली हूँ। हमें इतने ही चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं चाहिए। चिकन 1 किलो। यहाँ पर चिल्ली सॉस, सोया सॉस, नमक, लाल मिर्च पाउडर, केचप, टमाटो केचप, बारीक कटी हुई प्याज, स्प्रिंग ऑनियन बारीक कटा हुआ, कैप्सिकम, लहसुन बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, काली मिर्ची पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर, मैदा, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक अंडा। यहाँ पर एक अंडा ली हूँ। अभी सबसे पहले चिकन को हमें मैरिनेट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। मैं सबसे पहले एक आधा टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, मैदा, यहाँ पर 2 टीस्पून मैदा है, ये 2 टीस्पून मैदा, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर 2 स्पून, मैं ये स्पून से ले रही हूँ, ये स्पून से लेना है। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर 1.5 टीस्पून है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर यहाँ पर आधा टीस्पून, यहाँ पर सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है 2 टीस्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पर, नमक, नमक आप देखकर डाल लेना। मैं 1 केजी चिकन के लिए मैं देखकर डाल रही हूँ आधा टीस्पून, क्योंकि सोया सॉस, चिल्ली सॉस में, टमाटो सॉस में, सब में नमक रहता है, इसीलिए आप देखकर डाल लेना। और एक अंडा, अंडे को भी लेना है इसी में। अब इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। अब इसे हमें चिकन को, मसालों को हमें अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर चिकन को अच्छे से मैं मैरिनेट कर ली हूँ। अभी 10 से 15 मिनट इसे रखना है, या आप ये आधा घंटा भी, 1 घंटा भी इसे रख सकते हैं। मैं आपको जल्दी बनाकर बताना है, इसीलिए मैं 10 मिनट तक इसे रख देती हूँ, फिर मैं तलकर आपको बताती हूँ। यहाँ पर गैस ऑन कर ली हूँ, मैं एक पैन को भी रख ली हूँ, इसमें तेल डाल लेती हूँ मैं। 10 मिनट हो गए हैं चिकन को मैरिनेट करके। तेल थोड़ा ज्यादा ली हूँ क्योंकि हमें चिकन को फ्राई करना है, इसीलिए। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, हमें एक एक पीस लेना है, तेल में इसे डाल लेना है। यहाँ पर सारे उठाकर नहीं डालना है, एक एक पीस ही डालना है। ना मैं ज्यादा छोटे करी हूँ, ना ज्यादा बड़े करी हूँ, बस इतने मीडियम साइज के। अभी इसे अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है इसे। चिकनों को तेल में डालते ही इसे नहीं पलटाना है, थोड़ी देर छोड़कर इसे ऐसे पलटाना है। सभी को मैं पलटा लेती हूँ ऐसे। पलटा कर अच्छा फ्राई करके मैं बताती हूँ फिर से। जो ये सफेद सफेद आता है चिकन के ऊपर, वो अंडे की सफेद जर्दी है, जो अंडा मिलाते हैं ना, इसीलिए वो ऐसे होता है। इसका टेस्ट भी अलग रहता है, खाने में भी अलग रहता है। चिकन मंचूरियन माशाल्लाह बहुत टेस्टी रहता है ये। अच्छे से तल चुकी हूँ मैं, अभी निकाल लेती हूँ इसे। निकाल कर दूसरे को भी मैं तल लेती हूँ। जो भी मैं मिला कर हूँ, थोड़ा भी तेल में नहीं गया। तेल देखिए कितना अच्छा क्लीन साफ है, तेल में थोड़ा भी नहीं गया। मैरिनेट देखकर आप आराम से देखकर जितना चाहे उतना देखकर डाल सकते हो। आप 1 किलो से ज्यादा चिकन लिए तो इसमें से ज्यादा मसाले कर लेना आप। 1 किलो से कम है तो इसमें आधा मसाला आप कर लेना। अब इसे भी मैं ऐसे ही तल लेती हूँ। ये भी पक चुका है, इसे भी निकाल लेती हूँ मैं। निकाल कर अब इसका मसाला तैयार कर लेंगे। चिकन फ्राई हो चुका है, अभी मैं यहाँ पर पानी को ले रही हूँ, इससे 1.5 कप पानी ले रही हूँ मैं, क्योंकि हमें इसका मसाला तैयार करना है, इसीलिए।
ये 1 किलो चिकन है, इसीलिए थोड़ा सा मैं ज्यादा मसाला तैयार कर रही हूँ। ये कप से 1.5 कप डार्क सोया सॉस है, 4 टीस्पून ले रही हूँ मैं, ये स्पून से ले रही हूँ। चार चिल्ली सॉस यहाँ पर 3 टीस्पून ले रही हूँ मैं। तीन टीस्पून यहाँ पर केचप 2 टीस्पून। कॉर्न पाउडर यहाँ पर 3 टीस्पून ले रही हूँ मैं, क्योंकि 1 किलो चिकन है इसीलिए। आप मसाले जितना चाहे आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये मंचूरियन है ना, इसमें ज्यादा ही मसाले जाते हैं इसमें। अभी इसे अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। इसमें नमक पहले से ही है, नमक नमक देखकर डालना, आप चाहे तो डालो, नमक नहीं तो रहने दो ऐसे ही। इसे अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। मसाला तैयार हो गया है इसका। अभी मैं कढ़ाई को रख लेती हूँ, गैस ऑन करके कढ़ाई को रख लेती हूँ। यहाँ पर कढ़ाई को रख ली हूँ। यहाँ पर जो मैंने चिकन फ्राई कर लिया था उसी तेल को मैं ले रही हूँ यहाँ पर। इसमें और थोड़ा दूसरा तेल भी मैं मिलाती हूँ। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैं 15 से 20 कलियां लहसुन के ली हूँ, बारीक कटे हुए लहसुन। इसमें कटा हुआ लहसुन ही जाता है इसमें। थोड़ा सा लहसुन को हमें पका लेना है। प्याज यहाँ पर बड़ी साइज की मैं बारीक काट कर ली हूँ। प्याज को भी इसमें डाल लेना है। हमें प्याज लहसुन को ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा कच्चापन जाना है तब तक इसे पकाना है, ज्यादा इसे नहीं पकाना है। इसमें मैं 3 हरी मिर्ची ली हूँ, बारीक काट कर ली हूँ, इसे भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। अब इन तीनों को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा बहुत पकाना है, ये क्रंची रहना है, ऐसा पकाना है इसे। इसे थोड़ा बहुत पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है इसे। ये चिकन मंचूरियन अलग सा है, खाने में भी अलग सा है। थोड़ी सी ग्रेवी रखकर आप रोटी के साथ भी ले सकते हैं, इसे खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। आप इसे सूखा बनाकर भी, सूखा ऐसे भी खा सकते हैं चिकन को, बहुत अच्छा रहता है खाने में, बहुत टेस्टी रहता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये मंचूरियन का हर एक चीज बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसे ट्राई कर देखिए, जिसे नहीं आता बनाकर खाइए, बहुत ईजी है। देखने में आसान नहीं लगता है लेकिन बहुत आसान है, इसे जरूर से बनाकर खाइए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए, जरूर से कीजिए। मैं और आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे और नए पकवान लेकर आऊंगी, अच्छे से बनाकर भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा भी मैं बनाकर आप लोगों को बताऊंगी। इसे और थोड़ा मैं प्याज को लहसुन को और थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं कैप्सिकम को डाल रही हूँ। मैं ये बड़ी कैप्सिकम आधी बारीक काट कर ली हूँ, बहुत बारीक काट कर ली हूँ। इसे भी डाल लेना है, हमें इसे भी ज्यादा नहीं पकाना है। अब यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन, ये भी मैं थोड़ी सी ली हूँ, काटने के बाद इतनी बहुत दिस रही है, पकने के बाद बहुत जरी हो, बहुत कम हो जाती है, इसे भी मैं डाल लेती हूँ। हाँ, जो भी चीज आप लेते हो, वेजिटेबल जो भी लेते हो, आप पहले अच्छे से उसे धोना है फिर उसे काटना है। अब इसे भी मैं 1 मिनट अच्छे से पका लेती हूँ। ये भी ज्यादा नहीं पकना है, ये भी क्रंची रहना है, ऐसे मैं पका लेती हूँ इसे भी। बस हमें इतना ही इसे पकाना है। अब यहाँ पर जो मसाला मैं बनाकर रख ली हूँ मंचूरियन का, अभी इसे हमें डाल लेना है। इसे अब इसे अच्छे से पका लेना है। ये पकने के बाद बहुत घट हो जाता है, इसे अब थोड़ा सा पकाना है। यहाँ पर मैं और थोड़ी सी काली मिर्ची ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून जितनी काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पर चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है, पेस्ट है तो भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स ली हूँ। अभी इसे हमें थोड़ा पकाना है, 1 मिनट अच्छे से हमें पकाना है। अगर इस वक्त आप चाहे तो और भी इसमें डार्क सोया सॉस डाल सकते हैं, और यहाँ पर चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं आप, टमाटो केचप भी डाल सकते हैं।
ये जितना आप डालेंगे उतना टेस्ट लगता है। मेरे हिसाब से मैं जितना चाहे मैं डालूं, और चाहिए तो आप डाल सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा, और मुझे डार्क सोया सॉस चाहिए, मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मुझे और थोड़ा सा चाहिए डार्क सोया सॉस, ये देखिए मैं और एक टीस्पून जितना ली हूँ। ये देखिए घट हो रहा है, ये इसे और थोड़ा हमें पका लेना है। इस वक्त आपको चिली चिली पेस्ट चाहिए तो आप डाल सकते हैं, चिली सॉस चाहिए तो भी डाल सकते हैं आप। डालकर आपको तीखा मीठा जितना चाहे आप इस वक्त देखकर इसमें मिला लेना। मुझे और थोड़ा सा मीठा चाहिए, यहाँ पर मैं टमाटो केचप ले रही हूँ, 2 टीस्पून जितना टमाटो केचप, 2 टीस्पून। और यहाँ पर थोड़ा सा शहद, शहद डालने के बाद बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा पकाना है शहद डालने के बाद, 1 टीस्पून जितना ले रही हूँ मैं शहद, बस। अब इसे अच्छे से मिलाना है, फिर इसमें चिकन को मिला लेना है। अभी यहाँ पर मैं चिकन को डाल ले रही हूँ, शहद डालने के बाद इसे ज्यादा नहीं पकाना है, मुझे मीठा थोड़ा चाहिए इसीलिए मैं शहद डाली हूँ। अगर शहद नहीं है तो आप टमाटो केचप ही डाल सकते हैं। देखिए इसे थोड़ा सा अभी 1 मिनट से बहुत कम थोड़ा पकाना है, फिर इसे निकाल लेना है। देखिए तैयार हो गया है मंचूरियन चिकन, चिकन मंचूरियन। 1 मिनट थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ, ये देखिए यहाँ पर पक चुका है, बस इतना ही पकाना, शहद डालने के बाद इसे ज्यादा नहीं पकाना है बस। अब मैं गैस को कर लेती हूँ बंद, आपको निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए चिकन मंचूरियन तैयार हो गया है, अभी मैं निकाल कर आपको बताती हूँ। ये देखिए चिकन मंचूरियन तैयार हो गया है, इसकी खुशबू से भी बहुत अच्छा लगता है, खाने के लिए इतना मन करता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी भी रहता है, बहुत अच्छा भी रहता है खाने में। माशाल्लाह इतना टेस्टी, बहुत बहुत टेस्टी, माशाल्लाह बहुत टेस्टी। ये देखिए आज मैं चिकन मंचूरियन बनाई हूँ, बहुत बहुत टेस्टी है, बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आएगा। इसे आप बनाकर खा कर देखिए, जिसे नहीं आता बनाकर खा कर देखिए, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसमें जो जो चीज मैं डाली हूँ उसे पूरा देखिए, मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में देखकर कट मत करना, एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं। आप इसे बनाइए, जरूर से खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज।